मैं जनार्दन तिवाड़ी, प्रवक्ता हिंदी, राजकीय इंटर कॉलेज पेठशाल, जिला अल्मोड़ा। आज कक्षा 11 के विद्यार्थी संस्कृत प्रबोधिनी भाग एक में पंचम पाठों का हिंदी अनुवाद देखेंगे। पाठ का अनुवाद पूरा समझ लेने के पश्चात पाठ के अंत में दिए गए अभ्यास के प्रश्न एक पदेन एवं पूर्ण वाक्यन को छांट करके अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। पंचम पाठ वणिक वैद्ययो वार्तालाप, वनिये और वैद्य की बातचीत। हरि नमस्कार भानु महोदय। हरि भानु महोदय को नमस्कार करता है कि भानु जी नमस्कार। भानु नमस्कार अपि कुशली भवान। भानु कहता है नमस्कार, आप कुशल पूर्वक हैं। हरि आम कुशली बहुकालानंतरम दृश्यते भवान। हाँ कुशल से हूँ, आप बहुत समय बाद दिखाई पड़ रहे हैं। भानु किं करोमि वाणिज्यार्थम इतस्ततः गंतव्यम भवत्येव। क्या करूँ, व्यापार के लिए इधर उधर जाना ही होता है। हरि भवतः उद्योग कथम प्रचलति। हरि कहता है कि आपका व्यापार कैसा चल रहा है। भानु शोभनम एव अस्ति उद्योग। भानु कहता है व्यापार सुंदर चल रहा है। हरि भवतः पुत्र रमेश किं करोति। हरि कहता है भानु से, आपका पुत्र रमेश क्या कर रहा है। भानु सः तु देहल्यां स्थित्वा प्रबंधनस्य प्रशिक्षणं प्राप्नोति। भानु कहता है वह तो दिल्ली में रह करके प्रबंधन का प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। हरि एतदर्थं बहुकालात् तं न दृष्टवान् अस्मि, कदारभ्य सः प्रशिक्षणं प्राप्नोति। हरि कहता है इसलिए ही बहुत समय से उसे नहीं देख रहा हूँ, कब से वह प्रशिक्षण प्राप्त कर रहा है। भानु सः तु अगस्त मासतः देहल्याम एव निवसति, तस्य द्वितीयं सत्रं प्रचलति। भानु कहता है वह तो अगस्त महीने से दिल्ली में निवास करता है, उसका दूसरा सत्र या दूसरा वर्ष चल रहा है। हरि अद्यत्वे जना ग्रीष्म आतपे नित्राम पीड़िताः भवन्ति। हरि कहता है आज तो लोग गर्मी से बहुत पीड़ित हैं। भानु आम वर्षाया अभावात् प्रायः जना रुग्णा भवन्ति, तथापि रोग नियंत्रणस्य कृते कियान् समयः अपेक्षितः भविष्यति। तो भानु कहता है हाँ वर्षा के अभाव से प्रायः लोग रोगी हो जाते हैं या बीमार पड़ जाते हैं, फिर भी रोग के नियंत्रण के लिए कितना समय अपेक्षित है होगा। हरि देहरादूनतः नूतन औषधानि प्रभूत मात्रायाम संप्राप्तानि सन्ति, अतः साम्प्रतम चिंता नास्ति। हरि कहता है देहरादून से नई दवाइयाँ प्रचुर मात्रा में प्राप्त हैं, अतः इस समय चिंता की कोई बात नहीं है। भानु वैद्या अपि चिंतिता भविष्यन्ति, तर्हि अस्मा दृशानाम का दशा भविष्यति। भानु कहता है यदि वैद्यों की या चिकित्सकों की चिकित्सक भी चिंतित होंगे तो हम जैसों की क्या दशा होगी। हरि भवतः अपि काचित् समस्या अस्ति चेत् निःसंकोचं वदतु। हरि कहता है आपकी यदि कोई समस्या है तो निःसंकोच बतलाइए। तो भानु वैद्या तु प्रायः ईश्वरं प्रार्थयन्ते यत् जना रुग्णा भवेयु तर्हि अस्माकं उद्योगं चलेत्। भानु कहता है वैद्य तो प्रायः ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि लोग
बीमार पड़े और हमारा व्यापार चले। हरि आम तथैव प्रार्थयन्ते यथा वणिजः प्रार्थयन्ते यत् महार्घता भवेत् तदा अस्माकं लाभः प्रभूतं स्यात्। तो हरि कहता है हाँ वैसे ही प्रार्थना करते हैं जिस प्रकार बनिए प्रार्थना करते हैं कि महंगाई हो और हमारा लाभ प्रचुर मात्रा में होगा। भानु नहीं नहीं श्रीमान, महार्घता तो वणिजान कृते तथैव कष्टकरी भवति यथा सामान्य जनानां कृते। भानु कहता है नहीं नहीं श्रीमान जी, महंगाई तो व्यापारियों के लिए भी उसी प्रकार कष्टकारी होती है जिस प्रकार सामान्य लोगों के लिए। हरि तत्कथम, हरि कहता है वह कैसे। भानु भानु कहता है अस्माकं व्यवसायः तु सामान्य जनेषु आश्रितः भवति, हमारा व्यवसाय तो सामान्य लोगों पर आश्रित होता है। जना चिंतयन्ति यत् अल्पार्घता आगच्छेत्, लोग सोचते हैं कि अल्पार्घता आगच्छेत्, अल्पार्घता यानी मंदी मंदी आए, तदेव आवश्यकानि वस्तूनि क्रेष्यामः, तब आवश्यक वस्तुओं को खरीद लेंगे। अतः क्रय शक्त्या अभावात् वणिजां लाभः कुतः, इसलिए क्रय शक्ति के अभाव के कारण बनियों को लाभ कैसे हो सकता है। किंतु चिकित्सकानां स्थिति अस्मादृशी न भवति, लेकिन चिकित्सकों की स्थिति हमारी जैसी नहीं होती है। हरि कथम न भवति, वैद्या अपि समाजस्य अंगभूता एव सन्ति, यदि कश्चित् रोगः प्रसरति तरी सह रोग चिकित्सकस्य परिवारिकान जनान अपि न त्यजति, अतः वैद्या कदापि न इच्छन्ति यत् कश्चित् रोगः प्रसरेत तरी अस्माकं लाभः भवेत्। हरि कहता है कथम न भवति, क्यों नहीं होता है, वैद्य भी समाज के अंगभूत ही हैं, यदि कोई रोग फैलता है तो वह रोग चिकित्सक के परिवार के लोगों को भी नहीं छोड़ता है, अतः वैद्या कदापि न इच्छन्ति, इसलिए वैद्य बिल्कुल नहीं चाहते हैं यत् कश्चित् रोगः प्रसरेत, कि कोई रोग फैले तरी अस्माकं लाभः भवेत्, तो हमारा लाभ हो। भानु भवतः वचनम प्रमाणम, आपकी बात सत्य है। वचनम प्रमाणम माने सत्य बात, आपकी बात सही है। वयम तु परिहासेन एव यत् किम् अपि उक्तवन्तः, हमने तो परिहास में हंसी मजाक में ही कुछ भी कह दिया। तथापि भवतः कष्टस्य कृते क्षमा याचे, फिर भी यदि आपको कोई कष्ट है हुआ हो तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं। हरि अत्र क्षमा याचनस्य कः प्रसंगः, हरि कहता है यहाँ पर क्षमा मांगने की क्या बात है। वयमपि तु परिहासं कुर्वन्तः आस्मः, हम भी तो हंसी मजाक ही कर रहे हैं। वयम जानीमः, हम जानते हैं यत समाजस्य कष्टेन, कि समाज के कष्ट से, समाजे निर्भरः वर्गः, समाज पर निर्भर वर्ग कदापि वास्तविक रूपेण सुखी भवितुं न शक्नोति, बिल्कुल भी वास्तविक रूप से सुखी नहीं हो सकता है। धन्यवाद। कितना हुआ?